सो गाइस इस वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे साइलेंसर की पूरी रेंज। साइलेंसर के मैं पास दिखा सकता हूँ, जितने तरह के बुलेट के साइलेंसर आते हैं, बुलेट में रॉयल एनफील्ड के साइलेंसर आते हैं, इनफैक्ट फुल रेंज मिल जाएगी आपको। सारे साइलेंसर इलीगल है, कोई भी लीगल नहीं है, सब इलीगल साइलेंसर, बट फुल रेंज मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्लासिक 350 साइलेंसर। अगर क्लासिक 350 UC इंजन है, जो क्लासिक 350 है, क्लासिक 350 UC हो गया, क्लासिक 500 UC हो गया, स्टैंडर्ड UC हो गया, इलेक्ट्रा UC इंजन हो गया, सारे के साइलेंसर पहले दिखाते हैं आपको। ये साइलेंसर है गाइस, ये क्लासिक UC का रेप्लिका साइलेंसर है। जो स्टॉक साउंड आती है वही इस पर साउंड आती है, और वो उतनी साउंड ही है। इस पर चलान में डर नहीं रहता, अगर आपको ओरिजिनल साइलेंसर ख़राब हो जाता है तो ये साइलेंसर यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर में है, सेम आपको ये आपको मिल जाएगा, सिल्वर कलर में मिल जाएगा साइलेंसर। इसमें आपको BS3 फिटिंग एंड BS6 फिटिंग, दोनों की फिटिंग में साइलेंसर मिल जाएगा। दोनों प्लेट में अंतर आता है, दोनों मिल जाएगा आपको। इसमें पूरा भरा हुआ साइलेंसर है, सिलमन का ओरिजिनल साइलेंसर है। कोई भी देखिए सिलमन का मार्केट में देखते हैं, ऐसा बहुत रेप्लिका आता है। ये सिलमन का ओरिजिनल है, केन दौरी। तो ये सिलमन का केन दौरी है, ये क्लासिक फिटिंग में है। ये क्लासिक में आपके कोई भी क्लासिक UC इंजन वाली कोई भी गाड़ी है उसमें लग जाएगा। इंदौरी में आपको 2-3 मॉडल मिल जाएगा, सब में आपका अंदर की जो पाइप्स रहती है, अंदर की जो मफलर रहते हैं, अंदर की जो बेंड्स रहते हैं, उसके डिफरेंस आते हैं। सबसे हैवी में ये है, सबसे कम साउंड में ये आएगा आपका। केन दौरी क्लासिक फिटिंग सिलमन कंपनी का। इसमें अगर आपको सिल्वर साइलेंसर ब्लैक प्लेट चाहिए वो भी अवेलेबल है। गाइस जो ब्लैक साइलेंसर दिखाया था आपको उसी का सिल्वर साइलेंसर है। ये BS6 मॉडल का है, इसमें BS4 भी अवेलेबल है, पूरा भरा हुआ देख सकते हैं अंदर, पूरा लॉक्ड है अंदर पूरा। तो जो साउंड ओरिजिनल से निकलता है उसमें निकलता है। इसमें ओरिजिनल डिफरेंस ये ओरिजिनल महंगा आता है, 8 से लेकर 16 हज़ार तक आता है, ये करीब 2-3 हज़ार के बीच में आ जाएगा। सिलमन कंपनी का काफ़ी अच्छी कंपनी है। क्लासिक फिटिंग में अपने पास है रेड रूस्टर साइलेंसर। ये ओरिजिनल रेड रूस्टर नहीं है, ये कॉपी रेप्लिका साइलेंसर है, सिलमन का भी नहीं है, रेप्लिका साइलेंसर है। रेड रूस्टर जो आता है उसी को कॉपी है क्लासिक फिटिंग में। भाई सारे साइलेंसर इलीगल है, आपको अपने लिस्ट पे लगवाना पड़ेगा साइलेंसर। ये साइलेंसर जो अपने पास रेड रूस्टर अवेलेबल है, काफ़ी बेसिक साउंड है, अंदर इसमें सिरेमिक कूल दिया हुआ है, अंदर आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको ओरिजिनल लिखना है साइलेंसर अच्छी आवाज़ में, तो ये क्लासिक का साइलेंसर है, बड़ा पंजाब बोलते हैं इसको, बड़ा मुँह वाला। इसका अपने पास छोटा मुँह वाले मिल जाएगा, ये लगा रहे हैं बस। गाड़ी की आवाज़ काफ़ी तगड़ी, बेसी आवाज़, बेसी क्या बहुत हाई आवाज़ भी चाहिए होती है बुलेट वाली, वो इसमें मिलेगी आपको। यही साइलेंसर है क्लासिक का, ये दूसरी कंपनी का HK कंपनी का साइलेंसर है, ये भी ब्रांडेड, ये भी ब्रांडेड है। इसमें डिफरेंस ये पहली बार ये ब्लैक है, ये सिल्वर है, तो इसमें सिल्वर मिल जाएगा, इसमें ब्लैक मिल जाएगा। डिफरेंस ये है कि इसमें बड़ा मुँह है, इसका छोटा मुँह है। तो अगर चलान में डर है आपको तो इसको लगा सकते हैं, इसमें पकड़ने डर कर नहीं, क्योंकि इसका मुँह छोटा रहता है। तो इसमें काफ़ी अच्छी है, इसके लोरी का ओरिजिनल साइलेंसर है, अंदर देख सकते हैं फुल खाली है। यही जो आपको इंदौरी दिखाए थे, सबसे हैवी इंदौरी में ये था, उसी में सेम कंपनी सिलमन का ओरिजिनल, सिलमन का आपको मार्का दिखा देते हैं, 100% सिलमन का ओरिजिनल साइलेंसर है। सिलमन का ओरिजिनल साइलेंसर यहाँ पे मार्का देख सकते हैं, रेड कलर का। अगर इससे हल्की ज़्यादा वाशिंग, इससे एकदम कम आवाज़ होती है, इससे ज़्यादा आवाज़ की हल्की ज़्यादा वाशिंग है, तो आप इस घंटे उसको देखते हैं। अगेन ये सारे UC इंजन लग जाएगा। अगर आपको मिट्योर में लगवाना है इसमें से कोई, तो वो भी लगा सकते हैं, उसमें पीछे बेंड पाइप आती है, वो लग के लग जाएगा। अगर आपको बेंड पाइप नहीं लगवानी है तो डायरेक्ट इसका साइलेंसर जो अगर अवेलेबल है मिट्योर, वो आपको दिखाएंगे अभी आगे, वो भी लग जाएगा। बट ये केन दौरी साइलेंसर जो अपने पास अवेलेबल है। वही नई साइलेंसर की बात करें, अगर आपको ओल्ड मॉडल है तो यूजली लोग ये सब साइलेंसर ओल्ड मॉडल में लगा देते हैं, बट अपने यहाँ सिलमन का ओरिजिनल ओल्ड मॉडल का डायरेक्ट फिट साइलेंसर अवेलेबल है। तो देख सकते हैं ये पत्ती दिया हुआ है, जो ओल्ड मॉडल डायरेक्ट फिट होता है, उसमें कुछ तीन बात नहीं करना है, भूस लगेगा, भूस जो फ्री मिलता है, पत्ती अलग लेना पड़ेगा आपको, अगर पत्ती पुरानी आती लग जाएगी, एंड डायरेक्ट ओल्ड मॉडल में फिट जाएगा। खाली ये साइलेंसर खाली एक बीच बैंड दिया हुआ है, तो आपकी जो ओरिजिनल गुड्डू वाली आवाज़ चाहिए थी ओल्ड मॉडल में, वो आपको उसमें मिल जाएगी। अगर आपको ओल्ड मॉडल की बैंड पाइप आपकी खराब हुई हो, तो ये बैंड पाइप जगह जाने वाले सिलमन को रिजल्ट।
भाई अगर आपको छोटा साइलेंसर चाहिए आवाज़ वाला, बिना आवाज़ कम आवाज़ वाला, तो गाइस ये है इंदौरी बोल सकते हैं इसको, विदाउट प्लेट। ये इंदौरी है, विदाउट प्लेट है, फिल्मन की ओरिजिनल है ये भी। ये फिल्मन यहाँ पर लिखा हुआ है। या इसके अलावा ये यूपी में ट्रांसफर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे और सारे जो देख लीजिए, ये आपका है लॉन्ग पंजाब बड़ामू वाला, अगेन फिल्मन का ओरिजिनल है 100%। ये शॉर्ट पंजाब बड़ामू वाला, लॉन्ग पंजाब बड़ामू ब्लैक, शॉर्ट पंजाब छोटा मुँह ब्लैक, शॉर्ट लॉन्ग पंजाब रेप्लिका टाइप। ये आपका हो गया इंदौरी विदाउट प्लेट, ये हो गया आपका शॉर्ट पंजाब, शॉर्ट पंजाब बड़ा मुँह, ये हो गया आपका कोबरा सिलमन का ओरिजिनल, पास हो गया आप लेगा। ये आपका सिलमन का ओरिजिनल देख सकते हैं, सिलमन का ओरिजिनल कोबरा है। ये आपकी ओल्ड मॉडल पेंट पाइप हो गई, एंड ये आपका लॉन्ग पंजाब छोटा मुँह ब्लैक कलर, ये आपकी यूसी इंजन की रेंज हो गई। इसके अलावा कहीं अगर आपको रॉयल एनफील्ड की हंटर है, हंटर डायरेक्ट साइलेंसर पर अवेलेबल है। ये हंटर डायरेक्ट साइलेंसर है, ये हंटर का ओरिजिनल साइलेंसर तो देखने में लगता है, बट आवाज़ बहुत बेसी है, अंदर पूरा सिरेमिक वुल भरा हुआ है। प्लेन नहीं अंदर देखते, पूरा सिरेमिक वुल दिखेगा आपको इसके अंदर। ये पूरा जाली देख रहे हैं, पूरा सिरेमिक वुल भरा हुआ है। फिल्मन का ओरिजिनल है, हंटर डायरेक्ट फिट है, कुछ कट नहीं करना, डायरेक्ट हंटर लाइए, हंटर में वो निकलेगा। इसके अलावा अब हंटर हो गया, क्लासिक हो गया। अब जो रॉयल एनफील्ड की नई गाड़ी आई है जे सीरीज इंजन वाली, तो जे सीरीज इंजन वाले के लिए डायरेक्ट साइलेंसर पर आ गए। जे सीरीज इंजन के लिए फिल्मन का ओरिजिनल शॉर्ट पंजाब बड़ा मुँह वाला, बड़ा मुँह फिल्मन का ओरिजिनल देख लीजिए, फिल्मन का ओरिजिनल शॉर्ट पंजाब है। इस पर कुछ कटिंग पटिंग नहीं करना है, बेंट पाइप नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके क्लासिक न्यू मॉडल जे सीरीज वाला इंजन या मीटियोर डायरेक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत लोग को अपनी गाड़ी में डॉल्फिन चाहिए, तो डॉल्फिन में अभी डायरेक्ट फिट नहीं आया है। तो ये डॉल्फिन है, इसे अपने पास ब्लैक में एंड क्रोम दोनों में अवेलेबल है। ये आप रॉयल एनफील्ड कोई भी गाड़ी में लगवा सकते हैं, हंटर को छोड़ के बेंट पाइप मिल जाएगी। अगर आपको क्लासिक में लगवाना है यूसी इंजन में, तो कोई बेंट पाइप नहीं चाहिए। अगर आपको इसको आपको रिबॉन में लगवाना है, तो इसके लिए बेंट पाइप मिल जाएगी, इसको भी लगवा सकते हैं। फिल्मन का दोनों ओरिजिनल है, मार्केट से हल्का महंगा रहता है क्योंकि ये ओरिजिनल, इसका डुप्लीकेट आता है इसके आधे रेट पर। इसके बाद आपका मीटियोर या रिबॉन जे सीरीज वाले इंजन की गाड़ी जो है, जे सीरीज मतलब नई वाली गाड़ी जो है, उसका डायरेक्ट फिट शॉर्ट पंजाब छोटा मुँह फिल्मन का ओरिजिनल है, ये भी मिल जाएगा आपको डायरेक्ट बेंट पाइप लगाइए। या इसके बाद आपको अपना हम लोग पूरा के इंदौरी की रेंज दिखाते थे सिलमन में। अगर आपको एच के का के इंदौरी चाहिए, एच के दूसरी कंपनी है, ये भी एच के का ओरिजिनल, इसका भी रेप्लिका आता है मार्केट पे। एच के का 100% ओरिजिनल ही ट्रेडमार्क है, यहाँ पे गुदा हुआ है, ऊपर से प्रिंट नहीं किया हुआ है। एच के का 100% ओरिजिनल इंदौरी साइलेंसर चाहिए, प्रॉपर इंदौरी साइलेंसर जो बोलते हैं, सबसे कम आवाज़ वाला, पूरा इसमें पूरा फुल भरा हुआ है अंदर, इसका कम से कम वेट 6 से 8 किलो के बीच में होना चाहिए। ब्लैक में भी सिल्वर में भी दोनों अवेलेबल है, और अगर आप चाहें किया चाहे तो आपके रिबॉन में लग जाए, तो उसके लिए बेंटाइप लग के वो भी लग जाएगा। बाकी आपको रिबॉन डायरेक्ट फिट में भेजा वो भी दिखा देता है। गाइस ये आपका साइलेंसर है एच के का 100% ओरिजिनल, एच के कंपनी का। ये आपका क्लासिक मिटियोर डायरेक्ट फिट है, जे सीरीज के इंजन है अगर आपका, तो पूरा भरा हुआ है अंदर देख सकते हैं। इसमें आपका ये ब्लैक कलर है, एंड इसमें आपका सिल्वर भी अवेलेबल है। सिल्वर जो है वो भी अगेन एच के इंदौरी का ओरिजिनल है, सिल्वर विद ब्लैक प्लेट एंड ब्लैक विद सिल्वर प्लेट दोनों पर अवेलेबल है। अगर आपको बस आपको प्लेट नहीं चाहिए, तो प्लेट हट सकती है आप। इसके अलावा लास्ट ये शार्क साइलेंसर है, बहुत चलने वाला। तो शार्क में आपको सिल्वर ही मिल जाएगा, शार्क में आपको ब्लैक ही मिल जाएगा। क्लासिक डायरेक्ट फिट है, मीटियोर और रिबॉन लगाने के लिए इसमें बेंट पाइप लगी हुई है, यहाँ पर बेंट पाइप नंबर जरूरी है। अगर आप नई वाली स्टैंडर्ड है, नई वाली यूसी इंजन वाली स्टैंडर्ड, तो उसमें आवाज़ काफ़ी कम निकलती है। तो क्लासिक कोई मॉडल है जैसे BS6 वाली स्पेशली, उसमें कैटलेटिक कन्वर्टर लगा करके आगे आवाज़ काफ़ी कम हो जाती है। तो आप ये सी बेंट पाइप ले सकती है, सी फ्लो बेंट पाइप है, एंड इसमें आपका जो ऑक्सीजन सेंसर है वो भी लग जाएगा, यहाँ पर जगह बना हुआ है ऑक्सीजन सेंसर का। एच के लॉरी की बेंट पाइप है ये, इसको लगाने के बाद जो प्रॉपर बुलेट की आवाज़ दुकधुक वाली होती है, इसको लगवा लीजिए, और इंदौरी साइलेंसर लगवा लीजिए, आपको प्रॉपर दुकधुक आवाज़ निकलना चाहिए, कोई सेंसर का कोई फॉल्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट सेंसर फिट है।
अगर आपको बी एस सिक्स चाहिए मतलब सेंसर वाला सेंसर मिल जाएगा, विदाउट मिल जाएगा, जो उठाओ तो ब्लैक वाला वो आगे ब्लैक होगा। अगर आपको ये बेल्ट टाइप ब्लैक कलर में चाहिए तो सिल्वर की मिल जाएगी, और अभी स्टॉक में सिल्वर में एच के था दोनों के पास स्टॉक में अवेलेबल है। एक तो शॉर्ट बेंड यूसी इंजन के लिए ब्लैक कलर बी एस सिक्स मॉडल, तो बी एस सिक्स हो या बी एस फोर हो या बी एस थ्री हो साइलेंसर की फुल रेंज मिल जाएगी। गाइस अकेली साइलेंसर कोई भी लगाना लीगल नहीं है, इसको लगाएंगे आप फिर रिस्क लगाएंगे। तो ये दोबारा दिखा दूँ सर।